लॉ ऑफ टॉर्स के इस लेक्चर सीरीज में। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बैटरी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अपने अब तक के वीडियोस में हमने ट्रेसपास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है। हमने ये जाना है कि बेसिकली हम ट्रेसपास को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्रेसपास टू दी प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेसपास टू बॉडी। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी में हम दो तरह के ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। पहला ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रेसपास टू बॉडी में हम तीन तरह के ट्रेसपास के बारे में बात करते हैं। पहला बैटरी, दूसरा असॉल्ट और तीसरा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो हमने बैटरी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। अगर आप वीडियो में नए हो और बैटरी के कंसेप्ट को समझना चाहते हो या ट्रेसपास के कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम केवल और केवल असॉल्ट के बारे में बात करेंगे, राइट? चलिए, असॉल्ट इसे हम हिंदी में कहते हैं हमला, राइट? इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्ट और ये ट्रेसपास टू बॉडी में आता है, राइट? नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी इज, असॉल्ट और बैटरी के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि बैटरी में देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स। जब एक पर्सन किसी प्रकार से कोई फोर्स दूसरे पर्सन के ऊपर अप्लाई करता है उसके कंसेंट के बगैर, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, इंटेंशनली, तो उस पर्सन ने बैटरी कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, स्लैपिंग ऑन द फेस ऑफ एनी पर्सन, पुशिंग हिम और थ्रोइंग वाटर ऑन हिम और स्पिटिंग ऑन हिम। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं बैटरी के। यहां पर जो टॉट फीजर है वो दूसरे पर्सन के बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है इसे वो खुद से अप्लाई कर सकता है या किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब हम असॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पे देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स। एक्चुअल फिजिकल फोर्स का प्रेजेंस नहीं होता है। एक पर्सन कोई एक्ट करता है जिस एक्ट की वजह से दूसरे पर्सन के मन में भय, दूसरे पर्सन के मन में एप्रिहेंशन पैदा होता है और उसे ऐसा लगता है कि अब ये सामने वाला पर्सन उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने वाला है, उसके ऊपर बैटरी कमिट करने वाला है। तो ये है असॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्सन अपने फिस्ट को दूसरे पर्सन के फेस के ऊपर शो करता है, भले ही अभी इसने पंच नहीं किया है, तो इसने क्या किया? इसने असॉल्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके इस एक्ट के वजह से, इसके इस गेस्चर के वजह से इस पर्सन के, सामने वाले पर्सन के मन में एक एप्रिहेंशन पैदा हो गया कि अब ये पर्सन किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसे मार सकता है। तो बैटरी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स, लेकिन असॉल्ट में देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के ऊपर गन पॉइंट कर देना असॉल्ट है,
उसके गर्दन पर चाकू रख देना, असॉल्ट, राइट। उसे मारने के लिए मुक्का दिखाना, असॉल्ट। तो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ असॉल्ट। लेकिन अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के हेड पर कोई गन पॉइंट किए हुए है, भले ही इस गन में बुलेट्स नहीं है और इस बात को सामने वाला पर्सन नहीं जानता है, तो इसने असॉल्ट कर दिया। लेकिन अगर ये पर्सन पहले से जानता है कि इस गन में कोई बुलेट्स नहीं है, तो इस पर्सन का एक्ट असॉल्ट में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि बैटरी में देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स, आप एक्चुअली उस पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हो, लेकिन असॉल्ट में देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स, देयर इज एप्रिहेंशन इन द माइंड ऑफ क्लेमेंट कि अब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो सकता है। तो इन कॉमन लॉ असॉल्ट इज डिफाइंड एज अ टॉर्ट, एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट दैट गिव्स प्लेंटिफ द फियर ऑफ इन्फ्लिक्टिंग अ बैटरी ऑन हिम। तो यहां पे जो प्लेंटिफ है उसके मन में ये भय, ये आशंका उत्पन्न हो जाती है कि अब सामने वाला पर्सन उसके अगेंस्ट बैटरी कमिट करने वाला है। तो एक पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो ये असॉल्ट है। अगर उसने अटैक कर दिया तो ये बैटरी है, राइट। असॉल्ट को आईपीसी के सेक्शन 351 में डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 351 आईपीसी डिफाइन्स असॉल्ट इन दीज वर्ड्स, हूएवर मेक्स एनी गेस्चर, कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार से कोई गेस्चर करता है, यानी कोई साइन करता है, कोई इशारा करता है, फॉर एग्जाम्पल शोइंग फिस्ट, शोइंग स्लैप, पॉइंटिंग गन ऑन द फेस, तो ये क्या है? गेस्चर है। स्लीप्स ऊपर करना, ये भी क्या है? गेस्चर है। और एनी प्रिपरेशन, या किसी प्रकार का प्रिपरेशन करना, तैयारी करना, इंटेंडिंग और नोइंग इट, इस आशय से या ये जानते हुए कि वो गेस्चर, वो प्रिपरेशन दूसरे पर्सन को हर्ट कर सकता है, या उसके मन में किसी प्रकार से कोई आशंका पैदा कर सकता है कि अब उसके ऊपर हमला होने वाला है, या वो पर्सन उसके अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करने वाला है, तो उस पर्सन ने उस व्यक्ति के अगेंस्ट असॉल्ट कमिट कर दिया है, भले ही वो एक्चुअल में फोर्स अप्लाई करे या ना करे। दैट गेस्चर, दैट प्रिपरेशन इज इनफ टू कमिट असॉल्ट, राइट। तो देयर मे बी मैनी काइंड ऑफ असॉल्ट, जैसे वर्बल असॉल्ट, सिंपल असॉल्ट, एग्रेवेटेड असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एन एक्ट ऑफ वन पर्सन अदर पर्सन फील्स एप्रिहेंशन, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है कि वो पर्सन अब उसके ऊपर बैटरी कमिट कर सकता है, भले ही उस पर्सन ने उसे फिजिकली हार्म किया हो या ना किया हो, तो ये माना जाएगा कि उसने असॉल्ट कर दिया है। अब एक केस है हमारे पास, स्टीफन वर्सेस मायर्स, स्टीफन वर्सेस मायर्स। इस केस में क्या था कि मीटिंग हो रहा था, राइट। और एक पर्सन क्या करता है, किसी डिस्कशन में बात बिगड़ जाती है, तो एक पर्सन बार बार दूसरे पर्सन को मारने के लिए जाता है, अपना मुक्का ऐसे शो करता है उसे, फिर सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ करके
रूम से बाहर कर देते हैं। तो ये पर्सन जिसके ऊपर, वो व्यक्ति जिसे बाहर किया गया, वो असॉल्ट करना चाह रहा था। तो इस पर्सन ने केस फाइल कर दिया असॉल्ट का, और कोर्ट ने ये माना कि भले ही उसने उसे एक्चुअली इंजर्ड नहीं किया था, लेकिन उसका जो गेस्चर था उसके वजह से कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में ये आशंका पैदा हुआ कि अब उसके अगेंस्ट बैटरी कमिट हो सकता है, तो ये असॉल्ट कहलाएगा। तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ असॉल्ट? तो पहला कहता है थ्रेट, डर, भय, एप्रिहेंशन ऑफ फोर्स और वायलेंस, सामने वाले के मन में ये आशंका हो कि अब उसके अगेंस्ट वायलेंस हो सकता है, फोर्स अप्लाई हो सकता है। और ये जो थ्रेट है सामने वाले पर्सन के तरफ से आ रहा है, राइट? तो दीज आर द एलिमेंट्स। नाउ अब असॉल्ट और बैटरी के केस में हम सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकते हैं, यानी जो प्लेंटिफ है वो सेल्फ डिफेंस का यूज कर सकता है, लेकिन इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। अ मोस्ट कॉमन डिफेंस व्हिच इज यूज्ड इन असॉल्ट एंड बैटरी केसेस, असॉल्ट और बैटरी के केसेस में जो कॉमन डिफेंस है जिसे यूज किया जाता है वो है सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है आप अपने बचाव के लिए कोई एक्ट करते हो, तो वो सेल्फ डिफेंस है। जब कोई पर्सन आपके ऊपर किसी प्रकार का अनलॉफुल फोर्स अप्लाई करता है, तो आप अपने बचाव में जो एक्ट करते हो, दैट एक्ट इज नोन एज सेल्फ डिफेंस। इन दिस डिफेंस इट इज प्रूव दैट डिफेंडेंट वॉज सेफ गार्डिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अनलॉफुल फोर्स ऑफ कंप्लेनेंट। इसमें डिफेंडेंट को जो प्लेंटिफ के अगेंस्ट फोर्स यूज कर रहा था, तो यहां पे प्लेंटिफ को ये शो करना होता है कि उसने जो कुछ भी किया उसके अगेंस्ट में वो अपने सेल्फ डिफेंस में किया, और प्लेंटिफ को ये भी शो करना होता है कि उसने डिफेंडेंट को प्रोवोक नहीं किया था, उकसाया नहीं था, और प्लेंटिफ ने अपने सेल्फ डिफेंस में जो फोर्स अप्लाई किया वो इक्वल था टू द फोर्स अप्लाइड बाय अदर पर्सन, राइट? फॉर एग्जांपल, ए स्टार्टेड टू फाइट विद बी, ए और बी के बीच झगड़ा होने लगता है, अपने डिफेंस में बी ए को एक स्टिक से मारने लगता है और भाग जाता है। इन दिस सिचुएशन बी इज नॉट लाइबल फॉर द बैटरी एज अटैक वॉज जस्टिफाइड एंड वॉज इन सेल्फ डिफेंस। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बी को सेल्फ डिफेंस मिल सकता है, और ये माना जाएगा कि उसने ए के अगेंस्ट बैटरी कमिट नहीं किया है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो दो पर्सन के बीच किसी बात को लेकर के मामूली झगड़ा हो रहा था, ए ने तुरंत अपने पॉकेट से गन निकाला और सामने वाले को शूट कर दिया, तो यहाँ पे ए का जो एक्ट है उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, और ये सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकता है। तो सेल्फ डिफेंस में ये जरूरी है कि अगर आप सेल्फ डिफेंस ले रहे हो तो आपको ये बताना होगा कि जो डिफेंस आपने लिया उसके अलावा आपके पास कोई अदर रास्ता नहीं था। सामने वाले बंदे ने जितने अमाउंट में फोर्स आपके ऊपर यूज किया, उस सेम अमाउंट में आपने फोर्स उसके ऊपर यूज किया था, तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और जो कुछ भी आपने किया अपने डिफेंस में किया, आपका इंटेंशन नहीं था उसे किसी प्रकार से हार्म करने का, और आपने उसे प्रोवोक भी नहीं किया था, राइट? तो जो सिंपल डिफरेंस अगर हम बात करें, बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करें असॉल्ट और बैटरी में, तो वो ये है कि बैटरी में इंटेंशन होता है और एक्चुअल फिजिकल फोर्स अप्लाई किया जाता है एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के ऊपर, जबकि असॉल्ट में ऐसा नहीं होता है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओनली एप्रिहेंशन एंड देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल फिजिकल फोर्स, राइट?
तो ये था असॉल्ट और बैटरी। इन दोनों थॉट्स को हमने डिटेल में कवर किया एंड आई होप कि जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से डिटेल वे में समझ में आ गया। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी मैनर में आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। और अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं, 4-5 और क्लासेस चलेंगी लॉ ऑफ थॉट्स में, फिर मैं पूरा अब तक के जितने भी लेक्चर्स हमने लिए हैं लॉ ऑफ थॉट्स में उनका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको नोट्स पाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कवर करेंगे। ठीक, थैंक यू।